राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म न्यूज नेशन स्तुति पर। बंधुओं, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि निर्जला एकादशी के दिन हमें किस एक विशेष मंत्र का जप करना चाहिए जिससे कि हमें भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा प्राप्त हो, साथ ही हमारी मनोकामनाएं पूरी हों। बंधुओं, सनातन धर्म में 24 एकादशी का वर्णन किया गया। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहा गया। 18 जून को निर्जला एकादशी का महापर्व मनाया जाएगा। इस एकादशी की अनेक शास्त्रों में विशेष महिमा बताई गई। क्यों? क्योंकि इस एकादशी का निर्जल रह करके यदि हम व्रत करें तो हमें पूरे साल की 24 एकादशी के व्रत का फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए इस एकादशी को सबसे बड़ी एकादशी शास्त्रों में बताया गया। भगवान वेद व्यास के कहने पर भीमसेन, जो कभी भूखे नहीं रहते थे, उन्होंने भी निर्जल रहकर के इस एकादशी के व्रत को किया और 24 एकादशी के फल को प्राप्त किया। इसलिए इस एकादशी को निर्जला के साथ भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। इस एकादशी के दिन हमें बड़े शांत मन से भगवान लक्ष्मी नारायण की उपासना करनी चाहिए। आप सूर्योदय से पहले स्नान करें, व्रत संकल्प लेकर के भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा करें, उनका गंगा जल से अभिषेक करें। यदि आपके घर पर शालिग्राम शिला है तो उसका पंचामृत से अभिषेक करें। राधा कृष्ण का गंगा जल से अभिषेक करें। अपने इष्ट देव का गंगा जल से अभिषेक करें। अभिषेक करने के बाद उनको चंदन, फूल, तुलसी अर्पित करें और उनको ऋतु फलों का और दूध से बने हुए पदार्थों का तुलसी पत्र डाल करके भोग लगाएं। आरती करें श्रद्धा भक्ति के साथ। इस तरह पूजा करने के बाद हमें विष्णु सहस्त्रनाम या गोपाल सहस्त्रनाम का पाठ करना चाहिए, श्री सूक्त या कनक धारा स्त्रोत का पाठ करना चाहिए, जो महालक्ष्मी के सबसे उत्तम स्त्रोत और पाठों में से एक है, जिससे हमारे जीवन से धन से जुड़ी सभी समस्याओं का निराकरण हो जाता है। अब बात करते हैं मंत्र की। देखिए, भगवान नारायण की कृपा पाने के अनेक मंत्र शास्त्रों में दिए गए, लेकिन उनके 3 मंत्र विशेष बताए गए। उनका पहला मंत्र है षडाक्षर मंत्र, यानी कि 6 अक्षर का मंत्र। वो मंत्र क्या है? ओम विष्णवे नमः। मैं पुनः निवेदन कर रहा हूं, उच्चारण को अच्छे से सुनिए। ओम विष्णवे नमः, ये 6 अक्षर का मंत्र है। इस मंत्र की आप एकादशी के दिन साधना कीजिए। उनका दूसरा अमोघ मंत्र है, जिसको अष्टाक्षर मंत्र कहते हैं। वो 8 अक्षरों का मंत्र है। आपसे वो मंत्र निवेदन कर रहा हूं, ओम नमो नारायणाय। उन्हें बोल रहा हूं, ओम नमो नारायणाय। इस मंत्र का आप जप कर सकते हैं। और उनका तीसरा सबसे शक्तिशाली मंत्र है द्वादशाक्षर मंत्र, यानी कि 12 अक्षरों का मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इन 3 मंत्रों में से कोई आप एक मंत्र की उपासना कीजिए। लोग हमसे अक्सर कर कहते हैं कि मैं एक माला इस मंत्र की जप करता हूं, एक माला इस मंत्र की जप करता हूं, एक माला इस मंत्र की जप करता हूं। ऐसा मत करिए। आप एक ही माला, एक ही मंत्र का पुष्चरण करिए। आप यदि कोई इन 3 मंत्रों में से एक मंत्र लेते हैं तो उसकी कम से कम एक माला जप करिए, 3 माला जप करिए, 7 माला जप करिए, 11 माला जप करिए, 21 माला जप करिए। आप निर्जला एकादशी के दिन इस तरह से इनमें से किसी एक मंत्र को ले लीजिए। ये सभी मंत्र ब्रह्मास्त्र के समान हैं, जो भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा दिलाते हैं। आप जिस मनोकामना से इस मंत्र का जप निर्जला एकादशी के दिन करेंगे तो आपकी वो मनोकामना भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा से अवश्य पूरी होगी। ये विद्वान जन कहते हैं, ये शास्त्र कहते हैं
यदि आपके जीवन में धन की समस्या है तो वो समस्या दूर हो जाएगी। यदि आपको आरोग्यता चाहिए, आपके घर में बीमारी बनी रहती है, आप इसमें से किसी एक मंत्र का अनुष्ठान कीजिए, आपके घर से बीमारियां चली जाएंगी। यदि आपको संतान सुख चाहिए तो इनमें से किसी एक मंत्र का जप करिए, लेकिन एक ही मंत्र को पुष्यरण करिए उसका, एक माला, तीन माला, ग्यारह माला, पांच माला, इस तरह से एक ही मंत्र की साधना करिए। ये नहीं कि एक इसकी कर ली, एक इसकी कर ली, एक इसकी कर ली, ऐसा नहीं करना चाहिए। एक ही मंत्र को कई बार बोलिए तो आपकी जो भी जीवन की समस्या है, आप अपनी समस्या को निर्जला एकादशी के दिन भगवान लक्ष्मी नारायण के चरणों में रखिए और इनमें से किसी एक मंत्र की साधना कीजिए। अब ये मंत्र जप कैसे करना है? इस मंत्र का जप आप वैजयंती माला से करिए, तुलसी की माला से करिए या चंदन की माला से करिए। इन मालाओं से करना ये सर्वोत्तम रहता है। तो इन मालाओं के साथ में आप निर्जला एकादशी के दिन इन तीनों मंत्रों में से किसी एक मंत्र की साधना कर लीजिए, आपके सारे काम भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा से बन जाएंगे। साथ ही उनकी कृपा से, इस व्रत के प्रभाव से आपको उनके श्री चरणों में स्थान प्राप्त होगा। तो बंधुओं, हमारी ये जानकारी आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बताएं। हम इसी तरह से ज्योतिष और धर्म से जुड़े हुए अनेक विषयों पर आपके साथ चर्चा के लिए उपस्थित होते रहेंगे। हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको ज्योतिष और धर्म से संबंधित सही जानकारी मिल सके। न्यूज नेशन स्तुति के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। राधे राधे।